हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 4.2 आज स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए 3516 2124 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 2। 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्मॉल नंबर है और यहाँ पर कैसा है ग्रेटर नंबर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइड से क्या ले लेते हैं, कैरी। तो हमने 5 से यहाँ पे लिया तो 1 के क्या होगा इधर 11, और 5 में से यहाँ से गया तो 1 लिया तो इसके कितना हुआ है 1 माइनस, कितने बचे यहाँ पर 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 2 है तो कितना बचा 9, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और 3 में से 2 गए 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, सब्ट्रैक्ट करना है 2515 1154। 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। 1 स्मॉल नंबर है और 5 कैसा है हमें ग्रेटर, तो 1 में से 5 तो जाएगा ही, तो हम क्या करते हैं साइड से कैरी ले लेंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा था 11, और इससे लिया तो इसका एक का होगा तो कितना होगा था 4। 11 में से 5 गए तो कितना बचा 6, 4 में से 1 गए तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4604 3242। ये वाला समझिए, 4 में से 2 है तो कितने बचे 2, 0 में से 4 तो माइनस कर नहीं पाएंगे, 0 कोई नंबर नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 6 से यहां से लिया तो इसके कितने होगा 5, उसको दिया तो क्या हुआ 10। 10 में से 4 होगा तो कितना बचा 6, 5 में से 2 गए तो 3, और 4 में से 3 गए तो 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आपको ए बी सी 3 एग्जाम्पल समझा दिए हैं, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हमने आपको पीडीएफ में सेंड किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 के होगा ये सब्जेक्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन लिखना है पहले, राइट इन वर्टिकल, राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट इन वर्टिकल फॉर्म, हमें इनको किस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में इनको अरेंज करना है, इसके बाद फिर उनका क्या करना है डिफरेंस। सॉल्यूशन, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 2 5 6 3 1 8 1 9। अब क्या करना है इनका डिफरेंस, 3 में से 9 जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 हमारा कैसा है स्मॉल है और ये ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे साइड से क्या लेना पड़ेगा हमें कैरी, तो 3 का क्या हो गया 13, इससे हमें लिया तो इसके क्या हो गया 5। ठीक है, अब 5 देखो यहाँ पर, देखो 5 है ना, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, माइनस नहीं होगा क्योंकि ये स्मॉल है और ये ग्रेटर है, तो हम इससे साइड से फिर कैरी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1, और इसके कितने हो जाएंगे 15। अब सभी के लिए क्या कर देंगे माइनस, 13 में से 9 गए तो 9 के बाद 10 11 12 13, कितना बचा
फोर, फाइव में से वन गए तो फोर, फिफ्टीन में से एट गए तो कितना बचा सेवन, माइनस कर लो तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, और वन में से वन गया तो जीरो। यहाँ लिखते हैं आंसर इक्वल टू सेवन फोर फोर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आपको बुक में है ना सुनीता बेंस के रूप में दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। टू फाइव सिक्स थ्री माइनस वन एट वन नाइन इक्वल टू, हमने क्या किया है इसमें से इसको माइनस किया है, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर कर, ठीक है, माइनस करने पर हमारा जो आया है वो हम इसको बॉक्स में लिख देंगे यहाँ पर 744। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का ए हमने आपको समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से एक भी समझाते हैं आपको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनको डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। पहले क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में जमा नाम के लिए है ना, ये कर दिया ओ टू एट सिक्स, सेवन में से सिक्स तो कितना बचेगा वन, अब सिक्स में से एट तो माइनस होगा नहीं, साइड से कैरी ले लेंगे तो सिक्स का क्या हो गया सिक्सटीन, और इसका एक कम हुआ तो कितने हो गया था सिक्स, सिक्सटीन में से एट हुआ तो कितना बचा एट, सिक्स में से टू हुआ तो फोर, सिक्स में से फोर है तो टू, आंसर लिखते हैं हम सिक्स सेवन सिक्स सेवन, इसमें से हमने इसको माइनस किया, इक्वल टू लगाकर बॉक्स बनाकर माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो भी आ रहा वो नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन टू का भी हमने आपको ये और भी समझा दिया। ये हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर ए थ्री का ए, टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव फ्रॉम फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी सिक्स, सब्ट्रैक्ट बाय अरेंजिंग, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इसको हमने अरेंज कर लिया, ठीक है, इन किस में कॉलम्स, तो हम इसको क्या करेंगे कॉलम में अरेंज करेंगे, और क्वेश्चन लिख रहा है हमारा 2745 फ्रॉम 4566, सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम मतलब क्या होता है, फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें से फ्रॉम के बाद जो डिजिट रहता है वो हमारा कहां जाता है ऊपर लिखा होगा, फ्रॉम के पहले वाले डिजिट कहां लिखा होगा नीचे, इसमें से हम इसको क्या करना है माइनस, जब माइनस करेंगे अब सिक्स में से फाइव गए तो कितना बचा वन, सिक्स में से फोर गए तो टू,
फाइव में से सेवन तो जाएगी, साइड से क्या लेंगे हमने, क्या फाइव पे क्या होगा फिफ्टीन, इसका एक कम हुआ तो थ्री होगा, फिफ्टीन में से सेवन का कितना बचा एट, और थ्री में से टू है तो वन। आंसर लिखते हैं वहां पर 1821। थ्री का हमने ये भी आपको समझा दिया। एक एग्जाम्पल को लेते हैं, सी का बी, हमने आपको फर्स्ट की भी ए बी सी दिया एग्जाम्पल समझा दिए, टू की भी हमारे दो क्वेश्चन हुए ए और बी, और क्वेश्चन थ्री के भी ए और बी, हमने आपको सभी की दो दो एग्जाम्पल समझा दिए, और कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह से आपको ऐसे ही करना है, और जो भी क्वेश्चन आपको है हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।